यूपी के चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को लेटर भेज सांसद और विधायकों का सम्मान करने का आदेश दिया है। राजीव कुमार की ओर से जारी किए गए लेटर में कहा गया कि किसी भी जगह में यदि कोई विधायक सांसद आता है, उनके सम्मान में खड़े होना आवश्यक है। आपसी मतभेद को भुलाते हुए दीपावली के मौके पर मुलायम परिवार काफी दिनों बाद सैफई में एक साथ दिखाई दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह और चाचा शिवपाल यादव का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें दीपावली की बधाई दी। सैफई में मुलायम सिंह, अखिलेश और शिवपाल यादव ने एक साथ करतब देखा। इस दौरान परिवार के सभी लोग उनके साथ मौजूद रहे। ताजमहल पर मचे विवाद के बाद योगी सरकार ने 2018 के कैलेंडर में ताज को शामिल किया है, जिसके पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाई गई है। योगी सरकार ने 2018 के कैलेंडर में इलाहाबाद के प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, अयोध्या की राम की पौड़ी और बरसाना की होली समेत कई जगहों को दर्शाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कुसमही क्षेत्र स्थित तिकोनिया बस्ती में गरीब परिवारों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन सभी गांवों को अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। संगम नगरी इलाहाबाद में विदेशी श्रद्धालुओं ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाई। इस मौके पर विदेशी श्रद्धालुओं ने रंग बिरंगी होली मनाई और दीपावली पर दिए जलाकर एक दूसरे को बधाइयां भी दी। बुलंदशहर के शहर कोतवाली इलाके में स्थित एक घर में रखे विस्फोटक में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दारुल उलूम देवबंद ने मुस्लिम समाज के फेसबुक और व्हाट्सएप पर फोटो डालने को लेकर फतवा जारी किया है। इस फतवे में दारुल उलूम देवबंद ने फोटो डालने को इस्लाम के खिलाफ बताया है। राजधानी लखनऊ में दिवाली की रात पटाखों से अल्ताफ नर्सरी में रखे गमले में आग लग गई, जिसमें एक युवक की दम घुटने से मौत हो गई। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके में आतिशबाजी के कारण बिजली विभाग की ट्रांसफार्मर कार्यशाला में आग लग गई, जिसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। मथुरा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे के दौरान किसी तरह की कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई, लेकिन रेलवे ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। संभल के गुन्नौर कोतवाली थाना इलाके में दबंगों ने 7वीं के छात्र को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की छत से फेंककर हत्या कर दी गई। सिपाही के परिजनों ने पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। गाजीपुर के रेवतीपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मेरठ में पुरानी रंजिश के चलते नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद आरोपी मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। संभल के धनारी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच जमकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग के दौरान दरोगा समेत एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है।